हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय व्लॉग। आज मैं यानी सुबह जल्दी उठ गई थी, पर हमारे यहाँ मेरे घर पर दो दिन से एक प्रॉब्लम हो रही है। मेरा वाला जो वॉशरूम है उसमें वो टूट गया है, यानी क्या वाल कुछ होता है ना, वो टूट गया है, तो पानी नॉन स्टॉप बह ही जा रहा है, रह ही नहीं रहा, तो इस वजह से बहुत दिक्कत हो गई है। तो मैं अभी तक नहाई भी नहीं हूँ, तो घर के काम भी मुझे निपटाने हैं, तो घर के काम मैं निपटा लेती हूँ जल्दी से जल्दी, और जाना भी है शॉप पर आज। तो भले कुछ भी हो जाए, किसी भी हाल में मुझे वीडियो शूट करनी है, क्योंकि ऐसे ऐसे में अगर रोज़ रोज़ ऐसा होता रहेगा ना, तो मेरी रूटीन ही पूरी बिगड़ जाएगी, वीडियो यानी मुझसे बन ही नहीं पाएगी। इसलिए तो रूम में मैं थोड़ा बहुत जो काम बाकी है वो कर लेती हूँ, घर का भी काम बाकी है। चलो, मेट तो आने वाली नहीं है, अगर कोई नहीं आती है तो देखते हैं, नहीं आएगी तब आएगी, पर जब तक नहीं आएगी तब तक तो हमको करना ही है काम। सो मैं साथ में व्लॉग करते करते काम भी कर रही हूँ, और टाइम तो अभी हो गया है लगभग 9 बज गई हैं। अब नहाना था तो वो नहा भी नहीं पा रही हूँ, क्योंकि पानी नहीं है, पानी रुक ही नहीं रहा है, तो फिर कहाँ से नहा पाऊँगी। इसलिए भी चलो, जो भी काम है छुटमुट वो निपटा लेती हूँ मैं, और फिर पानी अगर वाल से ही हो गया तो पानी भर जाएगा, तो फिर नहा भी लूँगी, दिखाऊँगी मैं आपको कैसा हो गया है बिल्कुल टूट टूट के। और ये प्लम्बर का काम तो बेचारों का क्या होता है, खोद खोद के निकालते रहते हैं, पता कैसे चलेगा बगैर देखे तो क्या प्रॉब्लम हो रही है। तो अच्छा है आज तो, यानी अच्छा लग रहा है आज तो, सुबह सुबह से बढ़िया लग रहा है एकदम। और ये चिकू भी नहा के आ गए, अभी इनका भी काम हम निपटा देंगे। अभी जैसे कि 10:16 हो रही है, और अभी तक मेरे नहाने का कोई ठिकाना नहीं है, क्योंकि अभी प्लम्बर आए हुए हैं तो सारा बाथरूम वगैरह में सब सही कर रहे हैं, और झाड़ू पोछा भी नहीं कर सकती क्योंकि मम्मी के बाथरूम में है ना सारे नल्स वगैरह तोड़ रहे हैं, नल वगैरह सब चेंज कर रहे हैं ना, तो सब टाइल्स वगैरह टूट रही हैं, तो पूरे घर में मिट्टी 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 हो रखी है। तो अभी ये नहीं कर सकती क्योंकि काम हो रहा है, इसलिए नहा लेती तो खाना भी बना लेती। चलो आज भी करना है, खाना बनाना पड़ेगा, खाना तो कम से कम बना लेती हूँ, एक काम तो निपट जाएगा। क्यों ना टाइम है तो मैं शुगर की मीटिंग भी अटेंड कर लूँ, तो अभी शुगर की जूम मीटिंग अटेंड कर रही हूँ। प्रोडक्ट नॉलेज है वो कंपनी से मिल रहा है, सो क्यों ना अपने नॉलेज को बढ़ाया जाए। रेडी तो मैं हो गई हूँ, पर आज क्या हुआ कि वो प्लम्बर वगैरह आए थे तो काम ही इतना था, तो कुछ घर का काम तो हुआ नहीं है, और सिर्फ झाड़ू ही लगाए हैं, तो शाम को लगाएंगे पोछा। तो और पूरे घर में मिट्टी मिट्टी की मिट्टी हुई है, खाना भी आधा अधूरा बन गया है। दिखाती हूँ बाथरूम की क्या हालत है, क्या हालत करके गए बाथरूम की, देख लो मेरे बाथरूम की हालत। ये तो मैंने पूरा क्लीन किया है, पर यहाँ पर वाल टूट गया था एग्जैक्ट, यस यहाँ पर, तो अभी तो क्लीन कर दिया है। थोड़ी देर में जाऊंगी शॉप पर, अभी वैसे ही अपॉइंटमेंट्स आ गए हैं तो मुझे जाना ही है। से एक तो बच गई है घर के काम काम में, क्योंकि आज वास्तविक बहुत बिखेरा हो गया था, इसलिए तो अब जाऊंगी शॉप पर। अभी जा रही हूँ ये शॉप पर, और शॉप तक चली जाती हूँ, हमारी मेन शॉप है वहाँ तक, तो वो फिर चिकू ले जाएंगे। चलो चलो चलो, ये स्टाफ है, देखते ये है हमारे नवपंजाल ज्वेलर्स, इसका भी आपको एक दिन पूरा प्रॉपर टूर देंगे हम, देंगे जब आप कहोगे तब देंगे, जल्दी से देंगे। ये है बैग जो कि बहुत अच्छी लगती है मुझे भी। आ गई हूँ शॉप पे, और एक अपॉइंटमेंट था वो निपटा भी दिया है, बस अभी कुछ ही देर में सेकंड अपॉइंटमेंट भी स्टार्ट हो जाएगा। यानी अभी ज्योति गई है खाना खाने के लिए, ये भी था हेयर कट, आप देख सकते हो क्या हालत हो रहा है, ये सब ज्योति करेगी। और क्या पता मुझे आज बहुत ज़्यादा आँखें जल रही है, बहुत ज़्यादा धूप की वजह से जल रही है, अब क्या पता। अभी हो गई हूँ मैं फ्री, अभी जस्ट हुई हूँ मैं फ्री, क्योंकि 1 बजे से लगाकर 8 बजे तक नॉन स्टॉप काम था, नॉन स्टॉप। मेरी हालत भी आप देख रहे होंगे कितनी ज़्यादा थक गई हूँ। तो अब चलते हैं घर पे, और घर पे बनाना है खाना, क्योंकि खाना बाकी है, इसलिए तो चलिए चलते हैं। अभी आई घर पे, और बहुत ज़्यादा आज तो मैं थक गई हूँ, मैं भी क्या थकी हूँ, चिकू भी बहुत ज़्यादा थक गए, क्योंकि आगे वाली शॉप पर
शॉप करो पर भी बहुत ज़्यादा काम था, नव पंचाल ज्वेलर्स पे भी बहुत ज़्यादा काम था, रोमा मेकअप स्टूडियो पर भी बहुत ज़्यादा काम था। तो तीनों जगह पर इतनी मैं आगे पीछे दौड़ दौड़ कर गई हूँ, और चूँकि भी इधर शॉप करो पर ज़्यादा आ नहीं पाई क्योंकि वहाँ पर नव पंचाल ज्वेलर्स में बिजी थे इसलिए। तो कोई बात नहीं, चलो आज तो मैनेज करना बड़ा ही भारी पड़ा है, और आज का व्लॉग भी शायद थोड़ा छोटा ही बना होगा, और मैं कल का व्लॉग सोच रही हूँ कि वागड़ी में बनाऊँ, क्योंकि मैंने आपको एक कल या फिर परसों के व्लॉग में मैंने पूछा था कि वागड़ी में, मैंने थोड़ा सा बोला था और मैंने ट्राई करने की कोशिश की थी कि मैं वागड़ी में व्लॉग बनाऊँ, क्योंकि जो मेरे पर्सनली जो मुझे जानते हैं उन व्यूअर्स को तो यानी वागड़ी में देखना अच्छा लग रहा है इसलिए। तो चलो कल मैं शूट करूँगी वागड़ी में व्लॉग, कैसे करूँगी हो जाएगा, सोचेंगे तो सब हो जाएगा, सोचना तो पड़ता ही है, बिगड़ सोचे तो क्या ही हो जाएगा। चलो अच्छा है, थकान भी आज बहुत लग रही है पर क्या करें, नहीं थकना है, काम तो करते ही रहना है। मैं सेम ककड़ी रह रही हूँ, तुम क्या शूटिंग कर रहे हो नहीं, मेरे को मेरे हिसाब से धीरे से उठने दो, नहीं कहीं वो कट करके अंदर नस बजेगी। बाप रे क्या तिका दुख रहा है। हो गया। बाप रे। आज खाना घर पे नहीं बन रहा है, हम लोग जा रहे हैं होटल, तो वहीं से खाना खा के आएंगे क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ ना, और इसलिए आज बहुत टाइम हो गया, हम कहीं गए भी नहीं हैं, तो होटल ही क्यों ना चलते हैं, क्योंकि हम होटल जा रहे हैं और वहाँ पर चिकू का जो डाइट का खाना है वही खा लेंगे। तो चलिए चलते हैं, चलो तो अभी हम जा रहे हैं होटल। तुम बोलते हो जोरदार लगता है। और ये हमारी अम्मा भी आ रही है होटल। अम्मा आ रही है? चलो भूपी ना, अभी निकल रहे हैं हम होटल के लिए, अभी जा रहे गाड़ी में। रात हो चुकी है और मेरे को व्लॉग का कुछ भी पता नहीं चल रहा है, चिकू ही पूरा व्लॉग कर रहे हैं, पर नाटक कर रहे हैं। हाँ ये एक नंबर का बदमाश आदमी मेरे को इतना तवा करता रहता है, वागड़ी में व्लॉग यही करेंगे। क्यों सही बात है ना, गाड़ी कहाँ खड़ी है? गाड़ी आ रही है। और तो गांव पहले क्यों निकल दिया है बाहर? तुम औरत हो ना, मेरी हमेशा लेट कराती। मैं कभी लेट नहीं करवाती हाँ चिको। वो तो पता है, मैंने कभी भी लेट नहीं करवाया ऐसे, पापा वहाँ खड़े। ये आ गई हूँ मैं मेरे रूम में यानी घर पर, तो अभी वीडियो भी अपलोड पे डाल दी है कल के लिए आपके लिए, कि आप टाइम पे देख पाओ मेरे व्लॉग्स और इन्जॉय कर पाओ। तो वहाँ पर तो मैंने होटल में तो कुछ शूट नहीं किया क्योंकि हम वहाँ डसर नहीं गए थे, उसमें तो मैं आपको क्या दिखाती तो यही था बस। तो इसी के साथ कर रही हूँ मैं आज के व्लॉग का एंड, अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर दे, शेयर करे, कमेंट करे और सब्सक्राइब करे मेरे चैनल को। थैंक्स फॉर वाचिंग माय व्लॉग, मिलते हैं किसी नेक्स्ट अच्छे से व्लॉग में। आज का व्लॉग थोड़ा सा छोटा बनाऊंगा तो उसके लिए सॉरी, मैं क्या आपको रियल वर्क मेरा दिखा नहीं सकती हूँ क्योंकि बहुत सारे क्लाइंट्स होते हैं जो कैमरे के सामने आने में कंफर्टेबल नहीं होते ना, धीरे धीरे उनको पता चलेगा कि मैं व्लॉग्स बनाती हूँ और आपके लिए इतने अच्छे अच्छे व्लॉग्स बनाती हूँ, तो धीरे धीरे वो भी आएंगे तो मैं उनका भी वर्क आपको दिखाऊंगी। ठीक है, बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई व्लॉग।